और तो खैर आ चुकी है वो फ्रेश वीडियो के साथ। सो आज की ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। उससे पहले गाइस, अगर आपने शुरू में मतलब आपने देखा ही कि भाई तुम्हारा भाई मतलब टॉप 10 के अंदर आ चुका है, वो भी 8 मतलब सोच सकते हो। मैं मतलब एज पे अपनी टीयर छोड़ी थी और बहुत सारे बंदों का तो ऐसा कॉन्करर पे था टीयर, बट मैंने एज पे टीयर करने के बावजूद भी मैंने टॉप 10 में वापस आ गया। और सही बताऊँ तो भाई जो इसमें मेरी आंखें काली हुई है वो तो अलग बात है, क्योंकि भाई मैं सुबह 7 बजे से ही रैंक पुश कर रहा हूँ। अब तुम सोच सकते हो अभी मैं रात के मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 बजे रात के वीडियो बना रहा हूँ और इतनी रात तक मैं मतलब खेलता ही रहा। फिर उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करना स्टार्ट किया है, तो सोच सकते हो मतलब इतना ज़्यादा मैंने आज खेला है कि यार क्या बताऊँ। मतलब इसके लिए एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और इसके लिए मेक श्योर कि भाई तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आपके एक लाइक से भी। तो फिलहाल अभी यार मैं आता हूँ यार वापस से अपने हॉस्पिटल के साइड, क्योंकि भाई मैं हॉस्पिटल के साइड बहुत बार आता रहता हूँ, क्योंकि भाई हॉस्पिटल में ना एक एक्चुअली में मतलब यहाँ पे बहुत कम बंदे आते हैं और ऐसा लूट मिल जाएगा ना भाई आपको हॉस्पिटल में, आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी हॉस्पिटल में। मतलब ऐसा लगेगा कि भाई अच्छी लूट हो चुकी है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे यार सही बताओ तो कीड़ी के देवता भी आ जाते हैं, बोले तो यार एक तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं यहाँ पे। और हॉस्पिटल में कोशिश करो आने की, क्योंकि भाई यहाँ पे तुम्हें एआर वेपन आराम से मिल जाएगी। और मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि अच्छी अच्छी स्नाइपर भी मिल जाती हैं, वो भी 8x के साथ। तो ट्राई करो यार यहाँ पे आने की। और एक ख़ास बात बताऊँ ना, अगर आप हॉस्पिटल पे आते हो तो जैसे कि आपको पता करना है कि यहाँ पे बंदा है या नहीं, अगर हॉस्पिटल दूर है तो ही जाओ हॉस्पिटल पे, मैं प्रेफर करूँगा। अगर क्योंकि अगर जैसी दूर बंदा होगा मतलब हॉस्पिटल पे जाएगा तो गाड़ी तो दिख ही जाएगी, क्योंकि वो अंदर तो ले नहीं जा सकता हॉस्पिटल के, तो ये बात होती है और दूर से ही पता पड़ जाता है कि भाई बंदा है या फिर नहीं है। तो ऐसे ही ट्राई करे करो हॉस्पिटल पे पता करने का। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आता हूँ यार ये वाले वेयर हाउस में। देखो पहले मैं तो गाड़ी अच्छे तरीके से लगा लेता हूँ, और भाई मेरे को देखो सबसे पहले तो मैंने यही सोचता हूँ कि भाई जैसी अगर जोन मतलब थोड़ा सा इसके बाद छोटा होने वाला हो तुरंत मैं सेंटर पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई अगर मैं सेंटर पकड़ लूँगा ना तो गेम निकाल सकता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा बहुत मतलब फ़ोन वोन चला रहा था साइड में, बट अब यहाँ पे जैसे मैं सुनता हूँ गाड़ी के साउंड, अब यहाँ पे देखो मतलब कैसे मारता हूँ यार तुरंत ही बंदे को। अब यहाँ पे क्या हो रहा था यार, आगे एयर ड्रॉप पे जस्ट जाके बंदा रुका ही था, वो बेचारा वो गलती फंस जाता है और वो बस ड्रॉप ही लूटते के चक्कर में ही लूट जाता है, बोले तो यार लोबी पहुँच जाता है। बट ये वाले बंदे के लिए क्या ही बोले, क्योंकि भाई ये वाला बंदा जैसे ही आता है यहाँ पे रुकता है, तुरंत चारों तरफ से स्प्रे पड़ने लगता है और वो सीधा भागने लगता है, सोचता है कि कैसे भी बच जाऊँ और मैं पीछे से फ़ायदा उठा लेता हूँ और इस वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा इजीली भर देता हूँ। अब देख सकते हो मतलब एंड का जो सर्कल है वो तुम्हारे भाई पे ही बना होता है। ठीक है गाइस, और मेरे को वैसे अभी जाना होता है थोड़ा सा आगे ही, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा वैसे जोन ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा दूर था, वैसे मेरे इसी वेयर हाउस में ही था, बट मेरे को थोड़ा सा आगे जाना था। अभी फिलहाल देखो मेरे को जस्ट आगे ही एक बंदा होता है और देखो उसे कैसे मारते हैं, क्योंकि ऐसे बंदों को मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट देखो मैं कैसे मारता हूँ। ये वाला बंदा तो यार सही बताओ तो बहुत गलती मारा जाता है, क्योंकि ये वाला बंदा जा रहा होता है सोचता है कि थोड़ा सा इस वेयर हाउस के क्लोजिंग कर ले। और बट मैंने पहले भी बता रखा है कि ये ट्रिक तो भाई एकदम ओसम है, और यहाँ से मतलब मैं पता लगा लेता हूँ कि कौन सा बंदा दूर है कौन सा बंदा पास है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं करके पहले बंदों का पता लगा लेता हूँ कौन सा बंदा घास में लेटा है, तो ऐसे तुरंत ही उतर के बजा देता हूँ उस वाले बंदे को। और ख़ास बात बताऊँ तो यार मेरा जो सोलो रैंक सोलो विंस में है तो तुम्हारे भाई का 27वें रैंक चल रहा है, तो इसके लिए तो यार सब्सक्राइब कर ही देना। बट अब यहाँ पे इस वाले बंदे को देखो कैसे हैंडल करते हैं, तो लो गाइस निकाल दिया तुम्हारे भाई ने विनर विनर चिकन डिनर। और आई होप आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि भाई ये वाली वीडियो यार टॉप रैंकिंग की वीडियो है, तो मतलब सोच सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी
मतलब लोभी थी वैसे, ठीक है ना। तो अभी वैसे सही बताऊँ तो लोभी इतनी खास भी नहीं लग रहे मेरे पर्सनली बताऊँ, क्योंकि जो बंदे आ रहे ना, मतलब सही बताऊँ तो हैकर थोड़े बहुत आ रहे मेरे मैच में, पता नहीं क्यों पबजी मोबाइल भी बैन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। और यहाँ पे मतलब देख सकते हो, और ना ही BGMI बैन कर रहा हैकरों को। तो अभी करंटली अगर आप पबजी मोबाइल का जो क्या बोलते हैं लीडर बोर्ड चेक करोगे तो उसमें जाके हैकर बैठे हुए हैं। तो भाई मतलब क्या ही बोलूँ, वो तो बैन हो ही नहीं रहे पता नहीं कैसे, बट तुम्हारा भाई मतलब लेजिट प्लेयर उन्हें टक्कर दे रहा है। तो देख सकते हो यार, मतलब सोच सकते हो भाई इतना मैच जब कर सकते हो तो आप तो कौन कर लगा ही सकते हो। और खैर तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है गाइज, और तो मिलते हैं को रैंक पुश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।